करवा चौथ में सिर्फ फास्टिंग ही नहीं होता बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लड़कियों को एक्साइट करती है एंड वन ऑफ द थिंग्स इज शॉपिंग. और आज मैं आई हूँ आलिया फैशन हाउस जो कि लोखन वाला मार्केट में लोकेटेड है एंड आई एम गोना मीट आलिया एंड हियर इज आलिया विथ मी. और मैं आलिया से पूछने वाली हूँ, यू हैव टू हेल्प मी आउट, मुझे कुछ अच्छा सा ड्रेस चाहिए फॉर करवा चौथ एंड जस्ट टेल मी क्या ट्रेंड में चल रहा है एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग. आजकल ट्रेंड में तो करवा चौथ को लेके काफी लोगों को यही परसेप्शन रहता है कि हम रेड कलर पहने, बट डेफिनेटली फॉर यू, डेफिनेटली फॉर यू आई विल सजेस्ट अ पीच कलर और कोल्ड शोल्डर ब्लाउज एंड क्रॉप टॉप एंड वन पीस गाउन. अ लिटिल इंडो वेस्टर्न अगर हम सजेस्ट करें तो धोती हैरम पैंट्स विद अ गाउन स्टाइल. I'll show you something which is my new creation for Karva Chauth. Definitely you will like it. Wow, actually पता है मुझे, मेरा भी ऐसा ही है कि मैं कुछ light colors पहनूँ because मैं dark color बहुत पहन चुकी हूँ. और जैसे मैंने आज start किया है with some darkish shade पे, but उसका जो background है वो बहुत ही light है. Lovely. तो I would want to go कि जो something Indo-Western because मैं भी बहुत bore हो गई हूँ typical सलवार suit पहन पहन के. अपना पहला आउटफिट सिलेक्ट कर लिया है जो कि ये वाला है. ये क्रॉप टॉप है एक स्कर्ट के साथ जो कि बहुत प्रिटी है. इट्स अ लाइट कलर और उस पर ये पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं एंड आई लव पिंक कलर. तो सबसे पहले मैं जाकर ये वाला आउटफिट ट्राई करूँगी. ये जो मैंने अभी आउटफिट पहना हुआ है ये मैंने रैंडमली उठाया था बट ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बना गया है. मुझे इतनी परफेक्ट फिटिंग्स आई हैं इसकी, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो परफेक्ट. ये मेरे लिए ही बना है ये आउटफिट, इतना अच्छा आउटफिट लग रहा है ये मुझे. आई थिंक आई लव इट. अभी जो मैं दूसरा आउटफिट ट्राई करूँगी मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन्स मेरी और बढ़ने वाली है बिकॉज सब कुछ इतना अच्छा है. मनीष को एक्चुअली यूजुअली मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ उसे अच्छे ही लगते हैं बट आई एम श्योर कि उसे ये वाला आउटफिट भी बहुत अच्छा लगेगा. बट उसके लिए सरप्राइज़ होने वाला है क्योंकि मैं यूजुअली कभी भी कोई भी मीडिया इवेंट के लिए जाना होता है या कोई भी पार्टी में जाना होता है तो हम लोग कभी एक दूसरे को अपने कपड़े नहीं बताते हैं या नहीं पूछते हैं, हम एक दूसरे को सरप्राइज़ देते हैं. अगर गुड सरप्राइज़ हो गया तो अच्छा है, अगर शॉकिंग हुआ तो बस वो पार्टी ख़राब हो जाती है. बट यूजुअली अच्छा सरप्राइज़ ही होते हैं, दोनों खुश होते हैं एक दूसरे को देख के बिकॉज वी बोथ लाइक ईच अदर्स चॉइसेस. सो आई होप उसे ये भी बहुत अच्छा लगे. मैं ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनना वैसे भी पसंद नहीं है. मैं आई लाइक टू कॉन्सेंट्रेट अपने कपड़ों पे ज़्यादा. और अगर कपड़े ऐसे मिल जाएँ लाइक ये इतना पूरा भरा हुआ आउटफिट है कि इस पर आई डोंट थिंक कि ज्वेलरी की ज़रूरत भी होगी. अगर ज्वेलरी नहीं भी पहने, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी है और फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ये आउटफिट, तो मुझे ऐसे आउटफिट मिल जाए तो व्हाट एल्स डू यू वांट. तो ये रहा मेरा सेकंड आउटफिट और इसे पहनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई हूँ बिकॉज मुझे पहला वाला भी बहुत अच्छा लगा था एंड दिस वन इज़ ऑल्सो लवली. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी धोती है और आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है एंड उसके साथ ये क्रॉप टॉप टाइट सा ब्लाउज काइंड ऑफ अ थिंग एंड इट रियली इट्स गोइंग वेरी वेल विद दिस. और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं एक्चुअली लूँ क्या. अभी भी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो रेड मरून एंड डार्कर टोन्स में जाना चाहते हैं बट आई एम सो बोर्ड ऑफ वेयरिंग रेड. और पता नहीं शादी में भी रेड पहनते बट आजकल ट्रेंड बहुत काफ़ी चेंज हो रहा है बिकॉज मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट करना चाहती हैं बिकॉज उनको भी अलग लगना है और वो अलग लगने के लिए वो डिफरेंट कलर्स चूज़ करती हैं. सो आई थिंक आई विल गो विद द ट्रेंड और मैं भी कुछ अलग ही चूज़ करूँगी. ये सो फाइनली मैंने ले लिया है जो मुझे लेना था, मैंने डिसीजन ले लिया है अपना और मैं आपको बताऊंगी नहीं वो क्या है बिकॉज मैं मनीष को भी सरप्राइज़ देना चाहती हूँ. तो आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ होगा क्योंकि आपने देखा तो है कि मैंने ट्राई क्या किया है लेकिन डिसाइड क्या किया है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा. सो यस
जिन जिन कुवारी लड़कियों ने करवा चौथ का फास्ट रखा है या नहीं भी रखा है, शॉपिंग तो करनी बनती है। आपने फास्ट रखा हो या ना रखा हो, आ जाइए शॉपिंग करने और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, बिकॉज करवा चौथ है एंड यू मेंट टू फील स्पेशल, यार। सो एंजॉय योर करवा चौथ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।